टांगे तुड़वा के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया सर। बड़ी मुश्किल से आया है एटीट्यूड। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? अगर आप ठीक नहीं है तो मुझे देख के ठीक हो जाएंगे। मैं आपका दोस्त आकाश, एक मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं चाहता हूं कि आपकी कुछ मदद हो सके, जो कि मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा बताते रहता हूं। यस दोस्तों, आज जो वीडियो है आपने देखा ही होगा कि जो मेरे बहुत सारे दोस्त है या डिसेबल पर्सन है, उनको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपको भी मिली नहीं है जॉब और आप एक डिसेबल पर्सन है, जो कि कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, तो आप सही वीडियो पे है। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत मुश्किलें आती है, मैं समझ सकता हूं, और आप मुझे देख सकते हैं, मैं डिसेबल होने के बावजूद आज एक कंपनी में काम करता हूं, अमेजोन, और अमेजोन में पूरे 5 साल से काम कर रहा हूं। और उसके पहले भी इतना आसान नहीं था मेरे लिए भी कि कोई कंपनी में या कहीं पे मैं काम कर सकूं। अभी बहुत सारे मैं आपकी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आपके साथ में मैं आपके शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, और जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपके पास डिसेबिलिटी है तो क्या ये आपका वीक पॉइंट है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा डिसेबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स है। बेसिकली फिजिकली चैलेंज है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, विजुअली चैलेंज है, और बहुत सारे टाइप्स है, और गवर्नमेंट और भी ज़्यादा उसमें इंक्लूड कर रही है। और अगर आपको कोई भी इसमें डिसेबिलिटी है, और मैं मान सकता हूँ कि आपको मोबिलिटी यानी या आने जाने का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है, बट क्या आपने कभी कोशिश की है कि कहीं पे आपको जॉब मिल सके? आप बोलेंगे हाँ मैंने बहुत बार कोशिश की है, मैंने बहुत कुछ किया है, बट शायद आपसे झूठ बोल रहे हैं, या शायद आपने नहीं किया हो, पॉसिबिलिटी है, राइट? तो मैं आपके इसी मुद्दे पे आपके आगे बोलना चाहूँगा कि पहला पॉइंट है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी जॉब, अगर आप चाहते हैं कि आप डिसेबल्ड है या नॉन डिसेबल्ड है बट आपको जॉब चाहिए, तो आपको प्रिपरेशन के तौर पे आपको क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, क्वालिफिकेशन। यस, क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या जॉब के लिए आप कोई जो देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आ चुका है, या कहीं ऑनलाइन आपने ऐड देखा, तो वहाँ पे पूरे क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस सब कुछ लिखा रहता है कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। तो क्या आपका पहला पॉइंट क्वालिफिकेशन बेटर है या नहीं? फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारे जो डिसेबल्ड पर्सन है वो 10th पास ही नहीं होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको हायर क्वालिफिकेशन पे जाना होगा। 10+2 यानी 12th आपने करनी चाहिए, कोई डिप्लोमा करना चाहिए, कुछ ऐसा कोर्स करना चाहिए जिसके बेसिस पे आपको जॉब के लिए, आप उसके लिए क्वालिफाई हो सकें। दोस्तों अगर आप बोलते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन सही है, तो फिर आगे क्या करना चाहिए? यस, बहुत मैटर करता है सर्टिफिकेशंस। दोस्तों सेकंड पॉइंट है सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस में आप देखेंगे तो जितने भी मेरे दोस्त है जो नॉन डिसेबल्ड भी है, डिसेबल्ड भी है, तो चाहते हैं कि उनको कम सर्टिफिकेशंस में अच्छा जॉब मिले। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर मैं देखूँ कि आपको सर्टिफिकेशंस में करना है, तो बहुत सारे जॉब्स है वहाँ पे, अगर आप कंपनी में देखेंगे या कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन आपको काम पे क्यों रखेगा जब तक उनके पास कोई ऐसी वैकेंसी ना हो, या उनका कोई बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट ना हो, या आप उनको कोई बिजनेस नहीं करा के दे सकते हो। समझ रहे मेरी बात? अगर उस बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास वो सर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई लोग बोलते मेरी MSIT हो चुका है, तो MSIT जो हो चुका है उसके बेसिस पे क्या आपको जॉब मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। MSIT के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन से, कंप्यूटर सर्टिफिकेशन जिसमें आप आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट 10th या 12th पास आपने कर ली है, और आप चाहते कि कोई जॉब पार्ट टाइम या फुल टाइम में आप करना चाहते हैं, तो यस दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन में जो आता है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। दोस्तों सर्टिफिकेशन में मैं जो बात कर रहा हूँ, उसमें सर्टिफिकेशन पे प्लस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं सर्टिफिकेशन के पॉइंट पे जरूर आऊँगा कि क्या क्या होनी चाहिए, बट सबसे पहला पॉइंट है कि क्या आपका कम्युनिकेशन सही है। सर्टिफिकेशन पे जो है, अगर आप 10+2 है या 10+ है, तो आपको MSIT के बाद में आपको जो है टैली, टाइपिंग या अदर जो कोर्सेस है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई टेक्निकल चीज़ें करना चाहते हैं, तो C++, पाइथन, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो आप सीख सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, और फिर
फाइनली आप उस जॉब के लिए सर्टिफाई करेंगे और आप सर्टिफाई करने के बाद सर्टिफिकेशंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों सर्टिफिकेशंस कंप्लीट होने के बाद फिर आते हैं बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको कोई भी कंपनी हायर करना चाहती है तो आपको वो सामने बिठाएंगे और आपके साथ कोई क्वेश्चनिंग करेंगे। क्वेश्चनिंग करने के बाद फिर आप जब उनके सामने जाते पूरे ब्लैंक हो जाते हैं, राइट। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, बहुत बार इंटरव्यूअर्स आपके सामने होते हैं और आप ब्लैंक हो जाते कि ये क्या पूछ लिया था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि थ्री इडियट्स आपने मूवी देखी है, राइट। थ्री इडियट्स में वो जाते हैं और वहां पे राजू जिनको जॉब मिलनी है, अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है। उसके पास सारे सर्टिफिकेशंस तो होते हैं बट उसके पास अलग क्या होता है। अगर कोई भी कंपनी या इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि हम आपको जॉब पे क्यों रखें, आपके पास अलग क्या है, तो आपको उसको आंसर करते आना चाहिए कि मेरे पास ए अलग है, मेरे पास ओ अलग है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंटरव्यूअर मुझे आके पूछता है कि आप में अलग क्या है, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है कि जो भी मेरे पास क्वेरीज आए मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ और कितने भी प्रॉब्लम्स आए तो मैं उसको डट के सामना कर सकता हूँ और मेरे में वो कॉन्फिडेंस है, मेरे वो कैपेबिलिटीज है जिसके पास मेरे सर्टिफिकेशन है, उसके बेसिस पे उस कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे मैं आपको वो प्रॉफिट दिला सकता हूँ। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि एक इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे उसको परसीव करते हैं, आपको खुद को, आप खुद को जब किसी भी एक इंटरव्यूअर के सामने दिखाते हो तो फर्स्ट पॉइंट एटिकेट्स ऑफ मैनर्स आते हैं, आप उनको ग्रीटिंग्स करते हैं क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और अदर सारी चीज़ें, जैसे कि अभी ये जो हाथ हिला रहा है उसको बोलते हैं जेस्चर्स, जेस्चर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में। अगर आप बोलेंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है बट आप चाहते कि आप ग्रो हो, यस दोस्तों आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप कुछ कोर्सेस लगा सकते हैं स्पोकन इंग्लिश, या अगर आप आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आप जाके कोई लाइक बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स रीडिंग कर सकते हैं, कोई जो आप मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल सबके पास आजकल होता है, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। उसमें भी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बिकॉज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो डिसेबल पर्सन के लिए बना रहा हूँ और उनके लिए बना रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश में वीक हो सकते हैं और उनके लिए बताना चाहूँगा ऐसे बहुत सारे कंपनीज भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जिनको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। तो आप जाके उन तक पहुँचे, उन तक बात करिए कि ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपके पास क्वालिफिकेशन है बट आप इंग्लिश में थोड़े वीक हो तो क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी है या नहीं। यस आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है, क्योंकि मेरा पहला जॉब जो था मैंने एज अ कंप्यूटर टीचर काम किया था और वहाँ पे कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं थी मुझे लगी, और पहला जो मेरा सैलरी था समथिंग 1500 के आसपास था और बहुत मुश्किलें आई थी तभी भी, बट आज जो भी मैं मुकाम में हूँ आप मुझे देख सकते हैं, आज इतने बड़े कंपनी में काम करता हूँ, खुद अच्छी सैलरी लेता हूँ, इसका जो पूरा क्रेडिट है डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स को, मेरे जितने भी गुरुज हैं उनको जाता है, बट खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कुछ करने के बाद आप फिर बोलेंगे कि जॉब कैसे ढूंढें। जॉब ढूंढने के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी न्यूज़पेपर को खोल के देखें कि वहाँ पे आपको हर एक टाइम पे अलग अलग वैकेंसीज मिलती रहेंगी। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं तो आपके पास मोबाइल्स हैं, naukri.com है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या जॉब्स अवेलेबल है या नहीं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें भी नहीं है तो आपके पास डेफिनेटली आप किसी जगह पे इंस्टीट्यूशन में जाके बात करने के लिए देख सकते हैं, वहाँ पे बात करिए। और ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं ऐसे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे जो आपको मदद करती है। बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। मेरे नज़र में है जो कि मेक माई ड्रीम फाउंडेशन है, एकांश ट्रस्ट है, जो कि आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको वो आफ्टर 10th या 12th आपको मदद कर सकते हैं कि आपकी जॉब
कैसे आपको मिल सकता है, आपको फाइनेंशियली भी कुछ मदद हो सकती है या नहीं, प्लस आपको सारे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें आपको आपके पैरों पे कैसे खड़े होना है वो आपको बताएंगे। दोस्तों कुछ भी चीजें मुश्किल नहीं है, बस आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक दिन आप मुझे जैसे देख रहे हो आप उस जगह पे होंगे। बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिसेबिलिटी है कि जिसमें उनको काम मिलने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि विजुअली चैलेंज है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी ये वीडियो सुन सकते हैं या कुछ भी तरीके से आपके पास ये वीडियो जारी है तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। यस दोस्तों, यस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर मैंने एक बार ट्राई किया था, जहाँ पे मैं कोशिश की थी वहाँ पे फिजिकली चैलेंज के अलावा हियरिंग इम्पेक्ट और विजुअली चैलेंज लोग जो है वो ज़्यादा थे, और वहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए वो इतनी कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है उसमें से वो लगे हो क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर्स, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों तो आई होप कि आपको ये वीडियो के माध्यम से समझ गया होगा कि कैसे आप ये जो है जॉब्स कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को कैसे फाइट कर सकते हैं, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा होगा उसको तुरंत प्लीज कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि और इस कैंपेन को आगे लेना चाहते हैं तो हैशटैग है बिगिन बिलीव इंस्पायर, इस हैशटैग को यूज करिए, मुझे टैग करिए और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए जो कि है warrioraakash9। आप मुझे वहां पे पिंग कर सकते हैं, आपके इश्यूज मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।